डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। आठ ओपी शुक्ला अभ्यास संख्या 66। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय इन लोगों ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें से किसी एक को भी पूरा किया है? प्रस्ताव के समर्थन में सत्ता पक्ष की ओर से बढ़ चढ़कर बातें की गईं। भविष्य में हम यह करेंगे, कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे साल कब आएंगे। जब से यह सरकार आई है तभी से हम यह बातें सुन रहे हैं। प्रस्ताव के समर्थन में कहा गया कि हमने सारे विश्व को दिखा दिया कि हम भी अणुशक्ति वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारे विश्व ने आपको अणुशक्ति संपन्न देश मान लिया है? क्या इसके बुरे परिणाम नहीं हुए? अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यदि आप वास्तव में अणुशक्ति संपन्न हैं तो यह दबाव आप क्यों सह रहे हैं? पहला, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए ही लाहौर की बस यात्रा की, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका परिणाम क्या निकला। पाकिस्तान ने आपकी पीठ पर वार किया और आप शांति दूत बनकर उसे चुपचाप सहते रहे। सैकड़ों सैनिक कारगिल में मारे गए, लेकिन आपने विश्व को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं किया। इतना ही नहीं, जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को घेर लिया तो आपने इन्हें वापस जाने का रास्ता दे दिया। सैनिकों की इस तरह की मौत से हमारी जनता को काफ़ी दुख पहुंचा, परंतु इस सरकार ने फिर उसी पाकिस्तान से शांति वार्ता कायम करने का विचार बना लिया है। पैरा महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात कहना शुरू ही किया है और आप कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया। छोटे दलों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़े दलों के लोग तो 10 मिनट तक बोलते हैं और यदि उनकी बात समाप्त ना हो तो उनका कोई अन्य सदस्य अपना समय उनको दे देता है, पर हमारे साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो अपने दल का अकेला सदस्य हूँ, अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 2 मिनट का समय और दिया जाए जिससे मैं अपनी पूरी बात कह सकूँ। पैरा महोदय, हमारे देश के सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कब तक सहन किया जाता रहेगा?
सारे देश के लोगों ने यह समाचार सुना के एक छोटे से देश ने हमारे सैनिकों को पकड़कर उनके अंग भंग कर दिए। हमारी सरकार ने तब क्या किया इसे भी हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। स्टॉप।